हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल इज़ गोइंग ऑन वेल। आज की हमारी ये वीडियो एक थॉमस ग्रे की एक पोएम से रिलेटेड है, जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है। ये पोएम काफ़ी लंबी है, कई स्टैंजास में लिखी गई है, इसलिए एक वीडियो में पूरी पोएम को एक्सप्लेन करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में पोएम के कुछ स्टैंजास जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाएगा, बाकी के जो स्टैंजास हैं वो किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोएट हैं। ट्रांजिशनल का मतलब कि वो दो एजेस के बीच के पोएट हैं, दो एजेस के फीचर ट्रेट उनके अंदर पाए जाते हैं। पहली एज न्यू क्लासिकल एरा, जिसे हम अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं, जो शुरू होती है समथिंग 1701 टू 1744। और दूसरी एज थी रोमांटिक एरा, जो 1789 टू 1838 समथिंग। तो दोनों एजेस के ट्रेट फीचर उनकी पोएम में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये पोएम एक चर्चयार्ड के बारे में है। चर्चयार्ड आप जानते हैं कि वो क्रिश्चियन का जो कब्रिस्तान होता है उसको चर्चयार्ड कहते हैं। तो थॉमस ग्रे एक दिन उस चर्चयार्ड में खड़े हुए थे और शाम का समय था, तो वो एक इमेज करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो लोग कब्रों में पड़े हुए हैं, यानी कि जो अब कभी उठने वाले नहीं हैं, उन कब्रों से कोई चीज़ उनको जगा नहीं सकती है। तो वो एक पोएम उन सिंपल लोग जो कब्रों में पड़े हुए हैं उनके बारे में एक पोएम लिखते हैं, और वो डेडिकेट करते हैं उन मरे हुए लोगों को। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पोएम के लाइन बाय लाइन स्टैंजा पे आते हैं। द कर्फ्यू टोल्स एंड द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू कहते हैं घंटी, कर्फ्यू टोल्स घंटी बजने को। नेल, नेल कहते हैं किसी के मरने पर, मृत्यु होने पर बजने वाली घंटी को। पार्टिंग डे यानी समाप्त होता हुआ दिन, यानी घंटी बजना इस चीज़ का संकेत होता है कि दिन समाप्त होने वाला है, दिन ख़त्म हो गया, शाम होने वाली है, रात आ रही है। ये फर्स्ट लाइन का एक्सप्लेन है। द लोविंग हर्ड वेंट स्लोवली ओवर द ली। लोविंग हर्ड, हर्ड कहते हैं जानवरों की झुंड को। लोविंग यानी जब झुंड में जानवर चलते हैं और वो आवाज़ करते हुए, रंभाते हुए, उसको लोविंग कहते हैं, यानी कि आवाज़ करते हुए जानवर। विंड स्लोवली, हल्की हल्की मध्यम हवाएं ओवर द ली। ली कहते हैं पाश्चर को, हरा भरा मैदान, घास का मैदान, यानी कि घास के मैदान पर चलती हुई मध्यम हवाएं। द फ्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेयरी वे। प्लो मैन कहते हैं कि खेत जोतने वाले किसान, हल बैल लिए हुए किसान। होमवर्ड, होमवर्ड यानी घर की तरफ। प्लॉट्स, प्लॉट्स कहते हैं चलने को। हिज वेयरी वे यानी दिन भर काम करने के बाद थके हारे किसान अपने हल बैल लेकर घरों की तरफ चल पड़े हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और इस संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़ जाते हैं। यानी कि जब किसान घर की तरफ चलते हैं तो ये घंटी बजती है, तो ये संकेत होता है कि शाम हो गई है, रात हो गई है, और इस संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़कर अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है। बीनीथ दोज रग्ड एल्म दैट यू ट्रीज शेड। बीनीथ यानी नीचे, दोज रग्ड एल्म, एल्म एक प्रकार का पेड़ है। रग्ड, रग्ड कहते हैं खुरदरे, यानी कि इल्म के खुरदरे पेड़ के नीचे। दैट यू ट्री शेड, और यू ट्रीज यानी कि हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़, हरे भरे रहने वाले पेड़ की छाया में। वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, जहाँ पर यानी कि पेड़ों के नीचे बहुत सारे वो टीले बन गए हैं और उन टीलों पर घास उगाई है, यानी कब्रें जो हैं वो टीलों की आकार की हो गई हैं, उन पर घास उगाई है। ईच इन हिज नैरो सेल, सेल कहते हैं यानी कि एक
छोटा सा कमरा समझ लें, एक छोटी बिल्कुल पतली सी, नैरो बिल्कुल पतली सी सेल उन्हीं कब्रों के लिए कहा जा रहा है। ईच इन हिज नैरो सेल, यानी हर कोई अपनी उस छोटी सी कब्र में लेटा हुआ है। फॉर ईवर लेट, यानी हमेशा के लिए, यानी कि अब उनमें से वो कभी उठने वाले नहीं हैं, कब्रों में पड़े हुए हैं। और जो लोग पड़े हुए हैं कब्रों में वो कौन हैं? रूड फोर फादर, रूड यानी सिंपल, बिल्कुल साधारण से लोग, वो हमारे कौन हैं? हमारे पूर्वज हैं। ऑफ द हैमलेट स्लीप, यानी कि वो गांव के सिंपल साधारण लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो इन छोटी सी कब्रों में पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, ब्रीजी कॉल यानी कि चलती हुई हवाएं, ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्न यानी मॉर्निंग, यानी सुबह के समय चलती हुई हवाएं, इंसेंस ब्रीथिंग खुशबूदार हैं, यानी जो सुबह के समय जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही खुशबूदार होती हैं। स्वेलो ट्विटरिंग, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। फ्रॉम द एक्स्ट्रा बिल्ट शेड, यानी घास फूस के अपने बने हुए घोंसलों से चिड़ियाँ चहचहाती हैं। द कॉक्स क्लेरियन आर द इकोइंग हॉर्न, यानी मुर्गे सुबह के समय बांग देते हैं। आर द इकोइंग हॉर्न, हॉर्न यानी कोई हॉर्न, इकोइंग इको करता हुआ, गूंजता हुआ, यानी गूंजता हुआ कोई हॉर्न, मुर्गे की बांग या चिड़ियों का चहचहाना। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोवली बेड, नो मोर शैल रोज, रोज यानी उनको जगाना, उठाना, यानी कोई भी चीज़ इनको अब जगा नहीं सकती, उठा नहीं सकती, जो अपने कब्रों में पड़े हुए हैं, अब इनको ये कभी नहीं उठने वाले, कोई चीज़ इनको नहीं जगा सकती, चाहे वो मुर्गे की बांग हो या गूंजता हुआ हॉर्न हो या चिड़ियों का चहचहाना। नेक्स्ट स्टंजा में कहते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, एम्बिशन से मतलब यहाँ पे एम्बिशियस लोग हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, अभिलाषी लोग हैं, कि उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए गरीबों की मेहनत का, यूज़फुल टॉयल का, यानी उनके हार्ड वर्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके घर की खुशियों का। डेस्टिनी ऑफ सिक्योर, या उनकी किस्मत का, जिसमें सिर्फ हार्ड वर्क करना, मेहनत करना लिखा हुआ है। नार ग्रैंडियर हियर विथ अ डिस्टेनफुल स्माइल, ग्रैंडियर, ग्रैंडियर से मतलब यहाँ पे शोहरत वाले लोग, अमीर लोग, धनी लोग, यानी कि उनको गरीबों को देखकर एक डिस्टेनफुल स्माइल, यानी कि एक नफ़रत भरी हुई हंसी, एक मजाक उड़ाने वाली हंसी, नहीं हंसनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, यानी कि इन गरीब लोगों की छोटी साधारण कहानियों पर, इनके जीवन पर इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एनल्स कहते हैं कहानियों को। पोएम के लास्ट स्टंजा में कहते हैं, बोस्ट ऑफ हेलाल्ट्री द पंप ऑफ पावर, बोस्ट कहते हैं डींगे मारने को, बोस्ट ऑफ हेलाल्ट्री, यानी कि अपनी शोहरत पर, धन दौलत पर, अपने ख़ानदान की शोहरत पर डींगे मारने वाले लोग, या पंप ऑफ पावर, या अपनी पावर का, अपनी ताकत का शो करने वाले लोग, पंप एंड शो। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल द वेल्थ इवर गेव, ऑल दैट ब्यूटी यानी कि हर तरह की जो सुंदरता है, ऑल द वेल्थ इवर गेव, और जो ये धन दौलत उनको दी गई है, अवेट्स प्रतीक्षा कर रही है, अलाइक द इनएविटेबल आवर, उस निश्चित घड़ी का, उस निश्चित समय का, यानी हर चीज़ का एक समय निश्चित है, मौत का एक समय निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी बोस्टिंग है, पावर का पंप है, ब्यूटी है, ये धन दौलत है, ये सारी चीज़ें उस निश्चित समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। द पाथ ऑफ ग्लोरी, यानी कि आपकी ये वैभव, आपकी प्रसिद्धि, यानी कि ये इस चीज़ का जो रास्ता जो जाता है, लीड बट टू द ग्रेव, वो सीधा कब्र तक जाता है, यानी हर चीज़ का एक अंत है। पोइट कहना ये चाहता है कि जैसे एक गरीब का जैसे अंत होना है, वैसे ही अंत अमीर का भी होना है। उसी छोटी सी कब्र में गरीब को भी जाना है, अमीर को भी जाना है, इसलिए हमें उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
हमारा जीवन भले ही ऐसो आराम से भरा हुआ है, लेकिन हमारा भी अंत बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे गरीब का होना है। तो फ्रेंड्स, ये इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे।